इसलिए यार इसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। आप भी जब इसको चलाओगे ना तो यार आपको एकदम मज़ा सा आ जाएगा यार। ये देखो यार क्या भागती यार गाड़ी सच में यार। अपन टॉर्क भी देख लेते हैं, तभी अपनी गाड़ी 5th गियर में और अपन एकदम धीरे कर लेते हैं। एक बार अपन इसकी ब्रेकिंग भी चेक कर लेते हैं। तो ये भी अपनी गाड़ी 60 पर है। आज की वीडियो गाइस काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। फाइनली गाइस आज हम राइड करने वाले हैं ऑल न्यू होंडा हॉर्नेट 2.0। अब अपनी हॉर्नेट नए अवतार में आ गई है, तो आज अपन इसको चला के देखते हैं कि यार भाई कैसे क्या मज़ा आता है। मैं हॉर्नेट बहुत भाई टाइम बाद चलाने वाला हूँ और अपनी नई वाली तो आज अपन फर्स्ट टाइम चलाने वाले हैं। तो आपके साथ फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि अगर आप भी बाइक लेने का प्लान कर रहे हो तो आपके लिए कैसा ऑप्शन हो सकता है, अपन सारी बातें करने वाले। अब गाइस सबसे पहले आप लुक्स चेकआउट कर सकते हो, क्या प्यारे लुक्स लग रहे हैं यार। रेड कलर काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है और ऊपर से जो ग्राफिक्स है ना ये काफ़ी सही लग रहे हैं। अब गाइस मैं आपको इसका साउंड सुनाता हूँ। स्टार्ट तो यार बड़ी स्मूथ हो जाती है, तो ऐसा कुछ अपना साउंड है। अब देखो अपन इसका सबसे पहले तो अपन पिकअप वगैरह ही टेस्ट करेंगे। बाकी गाइस सबसे मेन चीज़ की अपन बात करें अपनी प्राइस की, तो ये कंप्लीट ऑन रोड हमारे सिटी में 1,63,000 रुपीज़ के आसपास पड़ रही है। और भयंकर यार सच में यार, मैं तो इसका यार पिकअप टेस्ट करने के लिए बहुत यार एक्साइटेड हूँ। मतलब यार थोड़ी सी गाड़ी खींची तो मज़ा आ गया यार। अभी थोड़ा और खाली रोड आएगा ना तो अपन गाड़ी और खींचेंगे। अभी गाइस अपन उज्जैन में राइड कर रहे हैं। उज्जैन से कौन कौन वीडियो देख रहा है भाई एक बार कमेंट करके जरूर से बताना। अपनी सिटी का यार कोई कमेंट करता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। बाकी अगर आपको और भी कुछ इंक्वायरी लेनी हो प्राइस रिलेटेड तो आप फिर अपने उज्जैन के शोरूम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो अवंतिका होंडा पर। अब यहाँ से अपन यू टर्न लेते हैं और सबसे बढ़िया चीज़ पिकअप देखेंगे। टर्निंग रेस भी मुझे ऐसे सही लग रहा है, मज़ा आने वाला है। और यार सच में यार मज़ा आ गया यार सच में यार। क्या भागती यार गाड़ी, यहाँ पे अपने देखा होगा मतलब 90 तक चले गई थी यार। क्या पिकअप है यार। अगर अपन पावर स्पेस की बात करें तो अपने को इसमें 184 सीसी का इंजन मिलता है जो प्रोड्यूस करता है लगभग 17 बीएचपी की पावर और 16 एनएम का टॉर्क। तो पावर तो यार सच में मुझे गजब की लग रही है यार। मतलब क्या भागी यार सच में, मैंने जैसा सोचा था वैसी ये गाड़ी भागी है। मैं इसलिए यार इसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। आप भी जब इसको चलाओगे ना तो यार आपको एकदम मज़ा सा आ जाएगा यार। पावर तो काफ़ी बढ़िया, पर अपन टॉर्क भी देख लेते हैं। तभी अपनी गाड़ी 5th गियर में और अपन एकदम धीरे कर लेते हैं। ये अपन ने कर ली एकदम 20-25 की स्पीड में। अपन उठाते हैं, देखो गाड़ी ने मतलब थोड़ी बहुत नॉकिंग कर रही है। बाकी अगर अपन इसको 3 से 4 गियर में उठा के देख लेते हैं, तो अपन ने 4th गियर में उठाया। ये देखो मतलब 4th गियर में तो इतनी स्मूथ तरीके से उठ गई ना, तो टॉर्क भी काफ़ी सही है। 5th गियर में थोड़ी बहुत नॉकिंग हुई थी, बाकी इतने कुछ ज़्यादा तो नहीं। तो टॉर्क भी मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और जब देखो होंडा की गाड़ी है और जहाँ बात रिफाइनमेंट की आ जाती है तो वो तो अपने नेक्स्ट लेवल की मिलने वाली है। कोई भी कहीं वाइब्रेशन नहीं यार, बहुत स्मूथ यार। काफ़ी रिफाइंड इंजन अपने को मिल जाता है। अभी भी गाइस आप सड़कों पर देखोगे ना तो आपको काफ़ी सारी पुरानी हॉर्नेट देखने को मिलेगी। सालों साल इसको लोग चलाते हैं और फिर ऊपर से आप बाद में अगर आपकी गाड़ी सेल करोगे तो आपको रीसेल वैल्यू भी अच्छी मिल जाती है। होंडा की अपनी ये भी खास रहती है, इंजन से रिलेटेड अपना ऐसा कुछ ज़्यादा इशू अपनी होंडा की गाड़ियों में आता नहीं है। तो ये अपने को प्लस पॉइंट हो जाता है अगर अपन होंडा की कोई सी बाइक परचेस करते हैं तो। मेरे पड़ोसी भैया के पास भी यही बाइक है, वो सालों से चला रहे हैं। मतलब 6-7 साल उनको हो गए हैं और आज भी उनकी गाड़ी काफ़ी बढ़िया चलती है। रोज़ मैं उनको चलाते हुए देखता ही हूँ। तो ये बात तो है कि यार हॉर्नेट चला लो तो आप 6-7 साल तो देखो इसको आराम चलाओगे तो कोई भी अपने को ऐसे दिक्कत आने वाली नहीं है। और गाइस यार बाइक को चलाने में भी यार देखो नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस आ रहा है यार। तो ये अपनी बाइक ना अच्छी लाइट वेट ही है, 142 kg बाइक का वेट है। तो आप चलाओगे तो आपको बढ़िया लाइट वेट लगेगी। तो देखो सिटी में कम्यूट करने के लिए तो आपको आपके लिए काफ़ी ईजी रहने वाला है। और जहाँ बात हाईवे की आ जाएगी, आप बढ़िया एक ही स्पीड में अपने क्रूज करोगे 70-80-90 पे, तो बढ़िया आपकी बाइक काफ़ी स्मूथ चलने वाली है। एकदम नेक्स्ट लेवल की अपने को रिफाइनमेंट मिल जाती है। मतलब मेरी अपनी गाड़ी 90 तक चले गई थी, फिर भी आप मतलब ऐसे कुछ भी वाइब्रेशन फील नहीं हो रहे थे। तो अपने को काफ़ी रिफाइंड इंजन मिल जाता है। और जहाँ बात ब्रेकिंग की आ जाती है तो अपने को सिंगल चैनल एबीएस आ जाता है। एक बार अपन इसकी ब्रेकिंग भी चेक कर लेते हैं। तो ये अभी अपनी गाड़ी 60 पर है। ये देखो अभी गाइस मैं पिलियन के साथ राइड कर रहा हूँ। मैंने ऐसे कुछ हार्ड अपने ब्रेक्स अप्लाई नहीं कर रहे थे, फिर भी अपनी गाड़ी अच्छी तरीके से रुक गई। अब देखो अपने बाइक का वेट तो ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, तो अपना सिंगल चैनल एबीएस से भी इसमें बढ़िया काम हो जाएगा। एक बार मैं आपको इसकी फ्रंट ब्रेक की पैड दिखाता हूँ। ये देखो काफ़ी बढ़िया वाइट है और रियर ब्रेक की भी मुझे सही लग रही है। बाकी सिटी में कम्यूट करने में इसको सच में बहुत मज़ा आ रहा है यार। ये देखो यार क्या भागती यार गाड़ी सच में यार। अगर आपको पावर का फील चाहिए तो यार इस बाइक के लिए आप बिल्कुल जा सकते हो। मतलब आपको जब भी आप इसको चलाओ ना तो बहुत ही तगड़ा मज़ा आने वाला है। अब देखो जहाँ अगर आपको पावर अच्छी मिलेगी तो आपको थोड़ा माइलेज से तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि फिर भी इसका माइलेज अपना ठीक ही है। मतलब 40 से 45 के आसपास इसका रहने वाला है। अब देखो 184 सीसी की बाइक है तो इतना माइलेज तो इसके हिसाब से ठीक ही है। और ये बात तो है यार कि गियर शिफ्टिंग ना काफ़ी स्मूथ रहती है, 5 गियर्स अपने को आ जाते हैं और ऊपर से स्लीपर क्लच है तो गियर शिफ्टिंग अपनी एकदम मक्खन जैसी रहती है, बहुत ही लाइट क्लच है यार। और अपन मेन फीचर्स की बात कर लेते हैं तो अपने को फुल इसमें डिजिटल क्लस्टर आ जाता है, आपको हैजार्ड लाइट आ जाती है और अपने को LED हेडलाइट्स भी आ जाती है, तो अपने को थ्रो भी काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है। अब गाइस अपन कंफर्ट की बात कर लेते हैं तो देखो इसमें कंफर्ट मुझे अच्छा लग रहा है। एक तो अपना सीटिंग पोस्चर काफ़ी अच्छा है और सीट मुझे अच्छी कंफर्टेबल लग रही है। और ये बात है कि पिलियन के लिए भी कंफर्ट अच्छा रहने वाला है, अपने को पिलियन के लिए भी बढ़िया कंफर्टेबल सीट्स मिल जाती है। और जहाँ बात सस्पेंशन की आ जाती है तो देखो अपने को फ्रंट में तो USD फोक्स मिल जाते हैं तो कुछ इशू है ही नहीं, और रियर में अपने को मोनोशॉक सस्पेंशन आ जाते हैं तो ओवरऑल मुझे इसमें कंफर्ट भी बढ़िया लग रहा है। बाकी अपना E20 फुल सपोर्ट करती है, BS6 फेज 2 इंजन है। यहाँ पर आप E20 की बेजिंग देख सकते हो, यह अपनी E20 OBD2 अपडेट के साथ आ गई है। सच में आज इसको चलाने में मज़ा आ गया। आप भी इसकी टेस्ट रेड लेकर जोर से देखना, आपको भाई मज़ा सा आने वाला है। और देखो ये बात तो अपनी रह गई थी कि अपने पीछे का टायर भी अच्छा खासा वाइड है, 140 सेक्शन है तो अपने ग्रिप काफ़ी अच्छी मिल जाती है तो अपने को कॉन्फिडेंस और अच्छा आता है। और ग्राउंड क्लियरेंस से रिलेटेड भी आपको ऐसा कुछ इशू नहीं आएगा। अभी अपन गाड़ी अच्छी खासी भगा कर आए तो देखो अपनी गाड़ी ने ऐसा बिल्कुल भी हीट नहीं करा है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपने राइड एंजॉय करी हो तो भाई वीडियो को लाइक जैसे कर देना और चैनल भी भाई यहाँ से सब्सक्राइब जैसे कर लेना। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।